हेलो फ्रेंड, ज़ीरोधा में आईपीओ कैसे खरीदे या भरे या बोल सकते कैसे अप्लाई करे। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लाइव विथ प्रैक्टिकल। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है एक्चुअली। आप लोगों को रिटेल या इंडिविजुअल आपको क्या है वो आपको चूज करना पड़ता है, उसके बाद आपको बिड लगाना होता है और इसके बाद आपको यूपीआई से भी अप्रूव करना होता है। तो मैं पूरा प्रोसेस आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप देखाऊंगा। इस वीडियो देखने का दोस्तों आप भी बहुत ही इजी वे में अपना मोबाइल से अपना घर बैठ के एक चुटकी में आप किसी भी आईपीओ के अंदर आप अप्लाई कर सकते। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने लाइव एंड प्रैक्टिकल करके देखाऊंगा। चलिए सबसे पहले ज़ीरोधा काइट एप्लीकेशन के अंदर आ जाइए। मैं आ चुका हूँ, देख लीजिए दोस्तों। देखिए उससे पहले उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, वॉच लिस्ट, ऑर्डर, पोर्टफोलियो, उसके बाद बीट्स। बीट्स वाला जो ऑप्शन आपको देखने को मिला इसके ऊपर आप क्लिक करिए। बीट्स वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों आईपीओ आ चुका है। दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा आईपीओ देखने को मिला, अप्लाई और पी अप्लाई। फ्री अप्लाई वाला जो आईपीओ है दोस्तों उसका डेट अभी आया नहीं, अप्लाई करने का डेट अभी आया नहीं। देखिए 6 तारीख से 8 तारीख का बीच स्विगी का है, उसके बाद सेम देख लीजिए दूसरा अलग अलग डेट है। जिस तारीख आपको अप्लाई करने का डेट आएगा उस टाइप से अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। देखिए अभी 5 तारीख से 7 तारीख तक, 5th से 7th नवंबर तक अप्लाई करने का डेट है दोस्तों। मतलब आज 5 तारीख है दोस्तों, देख लीजिए। देखिए आज 5 तारीख है, तो आज आप अप्लाई कर सकते हैं आज से 7 तारीख तक। दोस्तों देखिए अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इन्वेस्टर टाइप, आप इंडिविजुअल है या एम्प्लॉयर है। दोस्तों मैं इंडिविजुअल हूँ, मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर इंडिविजुअली होता है, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर सिलेक्ट करिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक डायरेक्ट मत करिए, थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पे कुछ चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए मिनिमम क्वांटिटी मतलब एक लॉट में 500 शेयर आएगा, मतलब आपको आप एक दो शेयर नहीं खरीद पाओगे, आपको एक साल में मिनिमम एक लॉट लेना पड़ेगा। एक लॉट के अंदर कितना आता है 500। तो प्राइस रेंज देखिए 28 से 30 रुपीज़ का प्राइस रेंज है दोस्तों। चलिए इशू साइज देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, रीड हियरिंग ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों इस कंपनी के बारे में आपको डिटेल्स जानकारी ले लेना पड़ेगा दोस्तों। इस कंपनी इस पैसा को लेकर क्या काम पे लगाएगा सब कुछ दोस्तों यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। देखिए इशू साइज का कितना है दोस्तों, कितना पैसा उठाएगा। इशू साइज देखिए 2106 करोड़ का दोस्तों। कंपनी के बारे में डिटेल्स में देखने को मिलेगा, कंपनी क्या कैसा कामकाज कर रहा है, इसका ट्रैक रिपोर्ट कैसा है दोस्तों। देखिए इसका देखिए फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कंपनी का कैसा ग्रोथ हो रहा है, सब कुछ आप एक बार देख लीजिए दोस्तों। सब कुछ अच्छे से देखने के बाद क्या रिस्क है दोस्तों, इसके अंदर रिस्क क्या है दोस्तों, सब कुछ है, स्ट्रेंथ क्या है, सब कुछ यहाँ पे है, आप एक बार अच्छे से पढ़िए। क्योंकि दोस्तों आपको पैसा लगाना है इसलिए दोस्तों बेसिक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ने के बाद दोस्तों उसके बाद आ जाइए, बैक आ जाइए। आ गया दोस्तों, अभी दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको सब जानकारी लेने के बाद आपको अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों पहले बोला UPI ID, आपको यहाँ पे UPI ID भरना पड़ेगा। UPI ID भरने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको कितना लॉट लेना है, आप 3 तक ले सकते हैं दोस्तों। देखिए मैं यहाँ पे आप ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके ये देखिए 3 मतलब आप देखिए ऐड पे क्लिक किया और एक आ गया, फिर ऐड पे क्लिक किया और एक आ गया, मतलब 3 लॉट तक आप ले सकते हैं, चाहे तो आप 1 लॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। देखिए मेरे को 1 लॉट लेना है इसलिए मैं इसको डिलीट कर दिया, सिर्फ मेरे को 1 लॉट लेना है। चलिए अभी दोस्तों 1 लॉट का कितना पैसा आ रहा है, 15,000 का, 15,000 का आ रहा है दोस्तों। अभी आपके सामने मैं UPI भर देता हूँ, भरने के बाद दोस्तों सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। चलिए देखिए फिर पहले UPI ID भरना पड़ेगा, उसके बाद ऐट द रेट देखिए जो भी है पीछे वो भर दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई ऑप्शन आ चुका है, मतलब ये वेरीफाई है, मतलब आपको ये वेरीफाई चेक कर लेना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों नीचे क्या करना पड़ेगा, सबमिट स्विफ्ट टू सबमिट कर दीजिए। देखिए मैं स्विफ्ट टू सबमिट कर दिया। सो फ्रेंड देखिए सक्सेस का मैसेज आ चुका है, एप्लीकेशन प्लेस सक्सेसफुली, प्लीज एक्सेप्ट द UPI मैंडेट बाय 7th नवंबर 5 PM टू कंप्लीट योर IPO एप्लीकेशन। मतलब दोस्तों आपने तो यहाँ पर से ऑर्डर प्लेस कर चुका है दोस्तों, लेकिन ये जो पेमेंट है इसका एक पॉपअप आपका UPI पे जाएगा। आप फोन पे दिया या गूगल पे दिया, आपका फोन पे या गूगल पे के अंदर एक पॉपअप जाएगा, उस पॉपअप के अंदर एक पेमेंट करने के लिए बोले, यहाँ पे जितना आप अमाउंट दिया था इसका रिगार्डिंग एक पेमेंट पोर्टल आपके सामने जाएगा। उस पोर्टल को देखिए, देखने के बाद आप उस वहाँ पर से पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपका काम कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो बहुत बड़ा बात है, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपको मिल जाएगा तो बहुत बड़ा बात है, आपको अलॉटमेंट पे आपका लॉट शेयर मिल जाएगा।
फ्रेंड, अगर आपको और भी डीमैट अकाउंट ओपनिंग करना है आपका घर का किसी भी मेंबर के लिए, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप बहुत ही इजी प्रोसेस में आप जीरोधा के अंदर एक डीमैट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।